और बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज उनके हर एक दिन पौधा लगाने के अभियान का 3 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण और ट्री वॉक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए और पौधारोपण किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि उन्होंने अकेले ये सफर शुरू किया था जो धीरे धीरे जन कारवा बन गया। उनकी माने तो ये पौधे नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं और लोगों से अपील है कि पर्यावरण बचाने के लिए लोग पेड़ अवश्य लगाएं। धीरे धीरे आंदोलन बन रहा है भोपाल में, लेकिन दूसरे जब इन पेड़ों के साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है अपने बेटा बेटियों के साथ खड़े हैं। अत्यंत सुकून मिलता है हृदय को और मन में ये लगता है कि धरती माँ को बचाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए हम कुछ काम कर पाए। मनेंद्रगढ़ में हितग्राहियों को पीएम आवास योजना में मकान देने के मामले में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। आरोप है कि मकानों की स्वीकृति मिलते ही ठेकेदार और दलाल ने ग्रामीणों से धोखे से पैसे ले लिए। आधे अधूरे आवास बनाकर ठेकेदार रफू चक्कर हो गया। ग्रामीण 5 साल से ठेकेदार का इंतजार भी कर रहे हैं। ठेकेदार और दलाल ग्रामीणों के एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले गया है। कई बार शिकायत की गई, उसके बाद भी जिम्मेदार अफसरों ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है।